हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने इतनी सारी शॉपिंग की हुई है, और इतनी सारी शॉपिंग मैंने कहाँ से की है, तो इतनी सारी शॉपिंग मैंने की है मीशो से। और आज देखेंगे कि हम सारे बॉक्स अनबॉक्स करके कि आखिर मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग्स में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और देखिएगा कैसे मैंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र से अपने घर को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने मंगाया है, ये मैंने मंगाया है, आप कह लो कि ये ऐसे है कि इसको आप दीवार में चिपका के आपको ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कहीं पे भी कुछ भी टांगना है, कोई सीनरी टांगनी है, कोई पेंटिंग टांगनी है, तो आप बहुत ही आसानी से इसका जो ये है वो आपको कील, मतलब आपको कील गाड़ने की ज़रूरत नहीं है, दीवारों में छेद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली तरीके से आप इसको स्टिच, इसके पीछे एक प्लास्टिक होती है, उसको हटाइए, चिपकाइए, और आप आराम से कोई भी फ़ोटो फ्रेम, घड़ी, कुछ भी आप आराम से टांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड, ये जो मेरा खुल रहा है पैकेज, ये मैंने मंगाए हैं, इसमें दो बेडशीट्स, सिंगल बेडशीट मंगाई है विद कुशन कवर। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं, इसको मैं आपको बाकायदा पूरा दिखाऊँगी, इसका ओवरव्यू कह लीजिए, अपने बेड पर बिछा के। बहुत ही प्यारा कलर है, और ये मैंने ब्लू कलर का इसलिए मंगाया था क्योंकि मैंने सेम, आप अभी देखेंगे ना, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है, बहुत कम पैसों में अपने घर को बहुत बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है और किया भी है। क्योंकि जिन्होंने भी देखा प्रोडक्ट्स की तारीफ़ की है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं मीशो के, ये मीशो से ही मैंने सारे प्रोडक्ट्स मीशो से ही ऑर्डर किए हुए हैं, और मुझे 525 रुपये में शायद 2 बेडशीट्स मिले हैं यहाँ पर, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छे प्राइस में, अच्छे कॉस्ट और कह लीजिए अच्छे जो भी क्वालिटी के यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिल गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये मेरा बेडशीट है, मतलब दीवान सेट कह लीजिए या जो भी है, तो ये मेरा सिंगल बेडशीट है और इस तरीके का प्रिंट है, और इसमें 5 कुशन कवर हैं प्लस 2 मसलन कवर हैं, मसलन या जो भी गोल वाली तकिया होती है वो। तो यहाँ पे ऑल ओवर इसका मैं अगर आपको प्रीव्यू दिखाऊं, और ये देखिए एक के साथ एक एक ये कलर है बेडशीट का, तो मैंने 2 अलग अलग कलर के मंगाया जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये कॉम्बो में ही थे, तो मैंने एक जानबूझ के थोड़ा सा एक लाइट कलर मंगाया और एक थोड़ा सा डार्क कलर मंगाया है, ताकि दोनों चीज़ें ही सही रहेंगी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रिंट था इसका भी, और ये देखिए ये जो है पिलो कवर है, और इसका भी मैं आपको ओवरव्यू पूरा दिखाऊंगी बेड पे बिछा के कि कैसा व्यू आ रहा है, इसका कैसा लुक आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी, इसमें भी वही सेम है, 5 कुशन कवर है प्लस 2 पिलो कवर है, आप चाहे तो उसे एज अ पिलो कवर यूज़ करें, चाहे तो एज अ मसलन कवर यूज़ करें। तो और यहाँ पे ये दूसरे बेडशीट का रिव्यू है, देखिए कुशन के साथ ही कितने ही, ये भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है, मतलब वैसे लग रहा था कि इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब इसको मैंने पूरा यूज़ किया है तो देखिए कितना अच्छा रिव्यू आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे, मुझे दोनों ही बेडशीट्स बहुत पसंद आए, जो कि थे दीवान के, और इनकी लेंथ भी ठीक थी, प्रॉपर लेंथ थी, ऐसा नहीं था कि छोटे थे, तो मुझे अच्छे लगे। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और ये सेकेंड वाला है आप देख रहे हो बेडशीट, जो था ब्लू कलर का, तो देखिए कितना ही अच्छा व्यू आया है, बहुत अच्छा लुक लग रहा है। और यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के ही कर्टन भी ऑर्डर किए हुए थे, तो 2 विंडो कर्टन थे, और 2 मेरे 7 फुट के थे और 2 5 फुट के, तो जो कि मेरे विंडो पे बहुत ही अच्छे तरीके से फिट आए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सेट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं अपना थर्ड कुरियर ओपन कर रही हूँ, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर यशी ओपन कर रही हैं, क्योंकि हर कुरियर अलग अलग दिन आए हैं और सभी अलग अलग दिन मुझे ओपन करने पड़े हैं, क्योंकि देखना था कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं सही है, है ना, क्योंकि रिटर्न भी करना होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे की हैंगिंग गैलरी सीनरी है एक, जिसमें आप कीज़ अपने हैंग कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं उसी को, ये देखिए कितना ही सुंदर है, मतलब इसका प्रिंट अच्छा है, कलर अच्छा है, एकदम भी पुराना पुराना नहीं है और बहुत ही अच्छा है। और ये भी आपका, इसको भी आपको ना, इस ऊपर देखिए 2 छेद दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कील में टांगना है। तो देखिए मैंने पहले ही दिखाया था कि मैंने ये मंगाए हुए हैं, ये देखिए कि मुझे ना दीवारों में जगह जगह ग्रिल ना करना पड़े, तो इसका यूज़ आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जो आपने सबसे पहला प्रोडक्ट देखा था हमारा। तो ये देखिए इसको इस तरीके से, इसके पीछे एक पन्नी लगी होती है, उसको हमें इस तरीके से रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद हमें इसे जहाँ भी लगाना है वहाँ पे हमें इसे चिपका देना है अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि ये जो था ना शुभ दीपावली का,
ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो इतने अच्छे तरीके से ये चिपक गया था कि ये हट भी नहीं रहा था, तो मुझे इसको थोड़ा सा हाइड करना था। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको देखिए चिपका दिया है, और आप मतलब इस पर आप कुछ भी हैंग कर सकते हो, आप अपना टॉवल हैंग कर लो, आप घड़ी हैंग कर लो, कुछ भी जो भी चीज़ें आप ग्रिल के यूज़ करते हो ना, ग्रिल करते हो तो आपको ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी दीवारों में छेद नहीं होंगे और बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं जब आपको रिमूव करना हो, और बहुत ही मतलब टाइट रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भारी टांगा तो आपका वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर किया हुआ है इस तरीके से, हमें इसको अच्छे से कर देना ताकि अच्छे से पूरा चिपक जाए दीवार पर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा भी लगा लूँगी, और दो क्योंकि टू यहाँ पे लगने हैं, जो भी दो लगने हैं तो इसलिए दो मैंने अच्छे से लगा लिए हैं। और ये तो मेरा पहले का ऑर्डर की हुई पेंटिंग है, और देखिए अब आप यहाँ पे कितना अच्छा लुक आ गया, ये देखिए यहाँ पे टांग दिया मैंने, और मतलब बहुत ही अच्छा था आपका, ब्यूटीफुल एक सीनरी भी है इसमें, और सीनरी के साथ साथ आपका की हैंगिंग का भी आपको मिल गया है। अब मैं यहाँ पे एक अपना नेक्स्ट कह रही जो ग्लोबी कुरियर है उसको अनबॉक्स करने जा रही हूँ, तो ये देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि मैंने ना इसमें बैक टू बैक मैंने मीशो पे एक साथ मैंने 8-10 कर दिए थे ऑर्डर, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे और मुझे बहुत ज़रूरी थी मेरे मुझे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों से कितने अच्छे तरीके से मैंने अपने घर को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अच्छा बुरा जो भी जैसा भी हो आप अपना रिव्यू कॉमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा मुझे। और देखिए यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी मैंने बहुत ही अच्छे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट भी, इसकी भी क्वालिटी मतलब मैं शुरू से जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए सभी से मैं सेटिस्फाइड हूँ प्राइस के अकॉर्डिंग, और क्वालिटी भी अच्छी है, बुरी नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए ये बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र आपने अक्सर देखा ही होगा ऑनलाइन शॉपिंग में जो इस तरीके से होते हैं। तो इन्हें सेट कैसे करना है, पहले इन्हें हम अच्छे से इंस्टॉलेशन इनका कर लेंगे क्योंकि हमें इस तरीके से रिसीव होते हैं। तो ये देखिए इसको हमें ना सेट कर लेना है इस तरीके से, तो जो भी पैर के पास है वो उसमें यहाँ पे जो बने हैं छेद उसमें डाल देंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे हमें चिपकाने के लिए भी मिले हुए हैं इसके साथ में ही, तो उसको हमें दीवार में चिपका के उसी में हमें इसे इस तरीके से अटैच कर देना। तो ये मैंने एक अपना देखिए इसका लुक कितना अच्छा है, इसको हम कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स पर भी बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। तो इनका भी कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है इनको इंस्टॉलेशन करने का, हमें इसके साथ चिपकाने वाला दिया जाता है वॉल में, जैसे मैंने आपको दिखाया ना ग्रिल वाला सेम वैसे ही होता है, और उसमें खांचे बने होते हैं, उसी खांचे में हमें इसको जो टैरी है ये इसको फिट करना होता है, बस दैट्स इट। आपका ये भारी से भारी जो भी भार है उठा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत छोटे मोटे ये प्रोडक्ट रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने वेशिंग के लिए मंगाया था क्योंकि यशी अब पहुँचने लगी हैं वेशिंग तक, तो वो क्या करती हैं ना सिंक पे चढ़ के कहीं हैंड वॉश यूज़ कर रही हैं, कहीं कुछ वो उठा के यूज़ करने लग जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ मंगाया ताकि मैं थोड़ा सा दूर रख सकूँ यशी से। तो देखिए कितना ही अच्छा लुक हो गया है, और अक्सर ऐसा होता भी है ना कि हमारा जो चीज़ें होती हैं वो बेटर तरीके से कर दो तो और अच्छा। ये देखिए ये मैंने किचन के लिए मंगाया, किचन में भी हमारे पास नहीं था कह लीजिए जो भी ये आप रखते हो ना सामान, जहाँ पे हमें विम बार होता है या स्क्रॉच पैड जो भी हम बर्तन धुलते हैं, तो हमें उसको इधर उधर पड़े रहने रखना पड़ता था, मेरे पास जगह नहीं थी प्रॉपर यहाँ पे कुछ भी ऐसी, तो मैंने इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये हमेशा ना मुझे ऐसे विंडो पे रखना पड़ता था या कहीं भी रखती थी तो वहाँ पे क्या गंदगी रह ही जाती थी या हो जाती थी, पानी रह जाता था उसका जो भी स्क्रॉच पैड में पानी रह जाता था। तो अब इसकी हेल्प की वजह से मेरा जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। तो ये देखिए किचन में कितना ही अच्छे से ऑर्गेनाइज है, दो है यहाँ पे मैंने रख देना है अपना जो भी आप रख दो, जो भी आप बर्तन यूज़ करते हो जो भी डिश वॉश यूज़ करते हो वो रख दो, यहाँ पे मैंने स्कॉच ब्राइट रख दिया। तो अब यहाँ पे क्या है पानी भी इसका जो होगा वो एक्स्ट्रा पानी निचोड़ जाएगा और बहुत ही सेफ रहेगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा लग। तो ये देखिए यहाँ नेक्स्ट जो कुरियर है वो मैंने ओपन कर लिया है, तो इसमें ये निकली हैं हमारे कुशन, तो कुशन मैंने जो मंगाए थे अलग से थे क्योंकि मैंने जो बेडशीट्स मंगाई आपने देखा उसमें कुशन कवर भी हैं, तो क्योंकि कुशन कवर भी थे तो फिर मुझे कुशन भी ऑर्डर करने पड़े थे। तो यहाँ पे मैंने 5 कुशन ऑर्डर किए थे, तो 5 कुशन अलग से मैंने किए मंगाए थे, और जो भी बेडशीट पे 5 कुशन्स के कवर थे तो इसलिए मैंने 5 कुशन्स अलग से ऑर्डर किए थे। ये भी मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में 254 समथिंग प्राइस में मिल गए हैं,
तो ये भी बहुत सही प्राइस में ही मिल गए थे मुझे। मैं सबकी ना आपको दिखाती जाऊंगी, फ़ोटो कह लीजिए प्रोडक्ट्स के, आप लोग देखते जाओ कि सब कितने का है और कैसा लुक था और ओरिजिनल में कैसा लुक है। तो लुक एकदम सेम टू सेम ही है, बिल्कुल चेंजेस नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट है ये जो भी हमारे कुशन है, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही मतलब आप देखेंगे तो साइज़ में भी ठीक है और बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि एकदम आप आराम से चेयर पे भी यूज़ कर सकते हो, सोफ़े पे यूज़ कर सकते हो, इन कुशन्स को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ आप चाहो वहाँ पे आप इन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने बेडशीट जो थे वो सिंगल बेडशीट जो थे दीवान सेट वो मैंने पहले ऑर्डर किए थे तो पहले आ गए थे और ये कुशन मेरे जो थे वो बाद में आए थे, तो इसलिए ये मेरा सबसे लास्ट कुरियर है जो कि आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में कि वो ओपन हो रहा था। तो इसमें है मेरे जो भी उसको आप कह सकते हैं कि सिलेंडर स्टैंड है और ये इसलिए मंगाया कि ऐसे आप ना पत्थर पे जब सिलेंडर रखते हो तो क्या होता है मूर्छा लग जाता है या उसके नीचे आप सफाई नहीं कर पाते, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है पत्थर पे ना, एक्चुअली स्पेशली मार्बल पे क्या होता है ना दाग बन जाते हैं जब आप रखते हो सिलेंडर डायरेक्ट, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था तो यहाँ पे हमने इसे मंगाया है। और ये भी मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया और बहुत देखिए स्टील के हैं और मज़बूत है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, इनकी मदद से आप सिलेंडर्स को आराम से मूव कर सकते हो, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग्स कैसे लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।